नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। वोट की बैठक में आज बजट और अन्य मुद्दों पर पार्षद मंसूर बदल ने जोरदार बहस की। पिछली पुष्टि के संबंध में मंसूर ने कहा कि महाप्रबंधक जल ने 11 मई 2022 को हुई लीकेज टेंडर में भारी कमी की है। पिछले 3 बार के समान टेंडर की जो मूल पत्रावली है वो 4थी बार शर्त नंबर 3 बदल दी, जबकि शर्त बदलने का अधिकार नगर निगम नगर आयुक्त के पास है। महाप्रबंधक जल ने नगर आयुक्त से कोई अनुमोदन नहीं लिया, जो नियम विरुद्ध और शर्त नंबर 10 भी अधूरी है। मंसूर ने सदन को बताया कि दिनांक 21 अप्रैल 2022 को जब लीकेज टेंडर में 3 टेंडर आ गए थे तो उनको क्यों नहीं खोला गया है। मंसूर ने प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश के शासन देश का हवाला देते हुए बताया कि फाइनेंशियल बिड 2री बार के टेंडर में भी खुल सकती है। नियमों की अवहेलना की गई, इसलिए लीकेज टेंडर को निरस्त कर दोबारा शर्त बने पशु मंडी पर बार बार ठेका नहाने की वजह से मेयर नगर आयुक्त ने यह निर्णय लिया कि पशु मंडी को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाए, जिसका विरोध पार्षद मंसूर बदर ने और शहजाद मलिक जमा परवीन शाहिन परवीन ने किया। पार्षद मंसूर बदर ने कहा कि नगर निगम एक्ट 1959 उत्तर प्रदेश ये कहता है कमेला संचालन पशु मंडी संचालन का काम नगर निगम करेगा। यदि पशु मंडी बंद हो गई तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और जो लोग मीट खाते हैं उनको दिक्कत होगी। यह काम नियम विरुद्ध है। जो ठेकेदार पूल किए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। निगम को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ के लिए पशु मंडी को नीलाम किया जाए, लेकिन तब तक पशु मंडी बंद ना हो। नगर निगम की बोर्ड बैठक में आज पशु मंडी पर बार बार ठेके न आने के वजह से मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब ने यह निर्णय लिया कि पशु मंडी को 10 दिन के लिए बंद कर दिया जाए, जिसका मैंने शहजाद मलिक साहब ने, सईद सिद्दीकी साहब ने और डॉक्टर एहसान ने पुरजोर विरोध किया। हमारा ये कहना था कि इस कारोबार से हजारों लोग जुड़े हैं और साथ ही साथ फूड चैन खाने की सप्लाई का नगर निगम एक्ट ये पावर देता है कि खाना कमेला चलाने का दायित्व नगर निगम का है, आप इसको फूड चैन को बंद नहीं कर सकते। यही बात हमने मेयर साहब और नगर आयुक्त साहब को लिख कर दी, यही बात हमने सदन में वक्तव्य दिया और हमारी फिर यही मांग है कि पशु मंडी बंद ना हो, लेकिन जो ठेकेदार ठेके में प्रतिस्पर्धा ना करके एक साथ बोली नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ज्यादा से ज्यादा पैसों में इस ठेके का नीलाम हो, लेकिन पशु मंडी बंद ना। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।